हेलो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आपने ये देखा था कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा हो रहा था बच्चों, हमारे किसी कंडक्टर की चार्ज और एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी के, है ना। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं अपन। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या करना है, तो देखो दो कंडक्टर्स होने चाहिए जो सेपरेट हो किससे, इंसुलेटर से, और वो वैक्यूम भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है, ठीक है। ये अपने आप में एक कैपेसिटर बनाते हैं बच्चों, ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये आप समझ के देखो कि एक आर्बिट्री शेप का कोई कंडक्टर लेकर आए और एक और आर्बिट्री शेप का कोई कंडक्टर रख लिया, दोनों पे आप चार्ज रख दो, एक को प्लस का चार्ज दे दो, एक को माइनस का चार्ज दे दो, तो यहाँ पे पोटेंशियल दिखने लगेगा और इसकी वजह से इसमें पोटेंशियल दिखने लगेगा बच्चों। तो देखो यही कह रहा है, दो कंडक्टर्स हो और पास में रखे गए हो, किसी मीडियम पे सेपरेट हो, तो यही अपने आप में क्या है, आपका कैपेसिटर। सिंपल, ठीक। इन दोनों में किसी एक का चार्ज काउंट करना होता है और कैपेसिटी दिखनी होती है, तो ये हो जाता है क्यू डिवाइड बाय वी, और ये वी की जगह बच्चों डेल्टा वी कर लो, या ऐसा भी लिख सकते हो क्यू डिवाइड बाय वी ऑफ ए बी, अगर इसका नाम ए रखा है और इसका नाम अपने बी रखा है, या ऐसा लिख सकते हो क्यू डिवाइड बाय वी ऑफ पॉजिटिव माइनस वी ऑफ नेगेटिव, ठीक है। बस ये ध्यान रखो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन हो हमारे पास जिसमें दो कंडक्टर्स हो और बहुत पास में रखे हो, उसी को अपन क्या कहेंगे बच्चों, कैपेसिटर। ये उसी को एक दूसरे फॉर्म में बोला गया है। दो कंडक्टर ले आओ आप कहीं से भी, उन पे चार्ज रख दो अलग अलग, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो पोटेंशियल मिलने लग जाएगा बच्चों, उसका डिफरेंस आएगा यहाँ पे और चार्ज का टर्म यहाँ मिलने लगेगा, ठीक है। एक बात समझ में आनी चाहिए कि इसको अगर सिस्टम बुला लो आप लोग, तो देखो यहाँ पे क्यू प्लस है और यहाँ पर क्यू माइनस है, तो आप लिख सकते हो जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। इसमें चार्ज कैसे बोल सकते हो, जो क्यू नेट होगा ना बच्चों वो जीरो होगा, क्योंकि ये क्यू ऑफ पॉजिटिव माइनस क्यू ऑफ नेगेटिव हो रहा है, ये तो नेट चार्ज प्यारे बच्चों यहाँ पे जीरो होता है। लेकिन स्टडी करते वक्त अपन क्या बोलते हैं, किसी एक पे रहने वाले का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अगर कोई बात करेगा कि सर्किट डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोग समझ के देखो कैसा समझ बनाया जाएगा। जो फिक्स वैल्यू वाले कैपेसिटर होंगे ना बच्चों, तो उसको ऐसे समझना आप कि दो पैरेलल लाइन बना दिए और यहाँ पे लिख दिया ए और यहाँ लिख दिया बी। या तो इसको ऐसा भी बना सकते हो, एक थोड़ा कर्व बनाया और एक सीधा कर दिया और इसको भी आपने बी और ए का नाम दे दिया। सिमिलरली अगर कोई बोलता है व्हाट आर वेरिएबल कैपेसिटर्स, तो आप देखो कि कैपेसिटर बन जाएगा इस तरह से एक, ठीक। ये जो दो प्लेट्स होते हैं ना बच्चों, ये पोटेंशियली बताते हैं, जैसे ये V पॉजिटिव बता रहा है तो ये V नेगेटिव बता रहा होगा, और वेरिएबल का मतलब होता है एक वेरिएबल का नॉब यहाँ से लगा दिया। आप आगे डिग्री कोर्स करोगे इंजीनियरिंग वगैरह में, तो बताया जाएगा कि ये कितने टाइप से बनता है, सेरामिक वाले होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक करके बनते हैं, और ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिससे बनाए जाते हैं हमारे कैपेसिटर्स, ठीक है, ये मटेरियल से बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है बार बार अपन बोलते हैं जिसकी स्टोरिंग स्टोर करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है। देखो पहली लाइन लिखी है अपन ने, ज्यादा कैपेसिटी है, ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, ज्यादा इसको पढ़ना होता है, और ऑफ अ कंडक्टर एट अ रिलेटिवली लो पोटेंशियल। आपने ये भी देखा था कि जो वी डबल डैश है वो बहुत ज्यादा कम था, किसके बच्चों, कंडक्टर के वी से, तो ये तो यहाँ पे लो हो गया और कैपेसिटी हमारी काफी ज्यादा थी। ये एक टॉपिक पहले आप पढ़कर आए हो, ठीक है। कैपेसिटर्स का एक और अरेंजमेंट बनाया जा सकता है इस पैटर्न पे, ये ध्यान रखना, ये भी बनाता है कैपेसिटर। एक अरेंजमेंट हो विच कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अभी डाइलेक्ट्रिक की जगह पे लिख लो वीक इंसुलेटर, है ना, इसको एयर भी बोल सकते हो, सच दैट इसका एक प्लेट क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरे को अपन ने ग्राउंड पे रख दिया हो। तो देखो एक प्लेट को आप ग्राउंड पे भेज दो, सबसे पहले तो ये हो जाएगा ए प्लेट, ये हो जाएगा बी। एक प्लेट को क्या करो, पॉजिटिवली चार्ज दिया, ठीक है, ये इसके विंसिनिटी में है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दोनों मिल करके आपस में क्या बनाएंगे, एक कैपेसिटर। क्या है बच्चों, ये दोनों कंडक्टर तो है ही, ये और साथ पास में रखे हुए हैं, ऑपोजिट चार्ज है, तो पोटेंशियल भी ऑपोजिट मिलने लग जाएगा, इसके इनसाइड में क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, और इसी को पुराने बुक्स में क्या बोलते थे बच्चों, कंडेंसर। बेसिकली कैपेसिटर का नाम ही होता है कंडेंसर, ठीक है। तो इस पूरे पेज पे क्या सीखने को मिल रहा है कि सर दो कंडक्टर रखे हो,
दोनों पे चार्ज हो अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड के, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रीवियस थ्योरीज के अकॉर्डिंगली काफी कम होता है, और इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी काफी काफी ज्यादा होती है, एंड दिस मेक्स योर कैपेसिटर। ठीक है, ये और हो गई आप लोगों की इन डेप्थ थ्योरी की क्या होना चाहिए कैपेसिटर। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अभी तक पढ़ चुके हैं अपन सी का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइड बाय वी, बट किसी जनरल कैपेसिटर के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैरेलल प्लेट और एनी अदर कैपेसिटर, किसी जनरल कैपेसिटर के लिए जो दो कंडक्टर से मिलकर बना होगा उसके लिए कैसे पढ़ना है। इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो कि ये दो हमारे पास चार्ज स्फीयर्स हैं, जैसे ये हो जाएगा ए और इसको क्या बोल देना बी, दोनों पास पास में रखे हैं। वी कैन नॉट से ये डायपोल बन रहा है अगर यहाँ प्लस और माइनस बना देंगे, वो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए होता है और ये थोड़ा कम शॉर्ट रेंज का है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस तरह चलकर जा रहे होंगे। बच्चों देखो पे अच्छे से इसको, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, आप यहाँ पर भी इसको इस तरह समझ सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप भी फील्ड देख रहे होगे। इस चार्ज की होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल वी ए दिखने लग जाएगा और यहाँ पे क्या दिखना शुरू हो जाएगा बच्चों, वी भी दिखने लग जाएगा। और आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है और जगह जगह पे अलग अलग फील्ड्स बन रहे हैं। तो बच्चों इन्फानाइट स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर का टर्म आ जाएगा। यहाँ लगा लो वैक्टर और यहाँ पे भी लगा लो वैक्टर्स, आप इंटीग्रेट करना इन दोनों में। लोअर पोटेंशियल पर ये बैठा है तो यही इसी को रेफरेंस मान के बताया जाएगा, मतलब आप बी पे बैठ के ए पे जाओगे तो यू आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए, तो यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा ए। सिमिलरली इसको भी आपको लिखना होगा बी से लेके कहाँ जा रहे हैं, ए तक जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये टर्म क्या हो रही है, ये तो आपको मिल रही होगी वी ए माइनस ऑफ वी बी, जिसको आप लोग क्या बुलाओगे वी ऑफ ए बी, और यही चीज क्या हो रही है नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। हमेशा ये याद रखो कि ये लोअर पोटेंशियल की वैल्यू होती है, तो यहाँ आ जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा बच्चों ए, राइट। और आपको कैपेसिटी अगर देखनी तो क्या फॉर्मूला होता है, क्यू बाय वी होता है। यहाँ इन दोनों का नाम रख दूंगा तो क्या हो जाएगा वी ऑफ ए बी, उससे एक नया फॉर्मूला बनकर आ रहा है, ये हो जाएगा वी ए माइनस ऑफ वी बी, देखो आप यहाँ पे। और फाइनली एक जनरल फॉर्मूला किसी भी कैपेसिटर का, नेगेटिव में ई लिखा, ये हो जाएगा ई डॉट डी आर, और कहां से कहां तक, लोअर से लेकर हायर तक, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बच्चों ए। ये आप लोगों का एक कैपेसिटर का फॉर्मूला बनता है, इसको आप जनरल फॉर्मूला बोलेंगे आज के बाद, जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, और नोटेशंस क्या होते हैं कैपेसिटर में, आपको अभी समझ में आ गया होगा कि किसी एक कंडक्टर को ए बोलना है और एक को क्या बोलना है बी, और इसको कनेक्ट कर देना है दो वायर से, चार्ज वगैरह करेंगे, आगे चल के अपन सीखेंगे किस तरह चार्ज करते हैं। अभी इसको अपन लोग पॉजिटिव रख देते हैं यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। इन दोनों के रहने की वजह से Q प्लस और Q माइनस की वजह से क्या मिलने लग जाएगा बच्चों, V प्लस हो जाएगा और V क्या हो जाएगा माइनस। आप ध्यान रखो कि जो फॉर्मूला है हमारा C इज इक्वल्स टू Q बाय V, यहाँ पे इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, V तो स्टैंडर्ड लिखा है लेकिन V का मतलब यहाँ पे डेल्टा V होता है, और जो कि डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू प्लेट्स होगा, और ये Q पॉजिटिव वाली प्लेट पे जो चार्ज है ना उसी को क्यों मान लेते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि नेट चार्ज ढूंढ कर लाओ तो क्या कहोगे कि सर क्यू पॉजिटिव माइनस क्यू नेगेटिव किया तो जीरो आ गया, जीरो में रख के सॉल्व थोड़ा ना होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी में किसका क्या मतलब है, क्यू यहाँ पे क्यू पॉजिटिव होता है और वी यहाँ पे डेल्टा वी होता है, ये है इसका बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग। और पढ़ते हैं अपन हमेशा C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो दो मेटालिक के प्लेट्स हैं हमारे पास सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, और इनके बीच में एक एरिया होता है जो कि ओवरलैप कर रहा होता है, तो यू कैन राइट ओवरलैपिंग एरिया। वी पॉजिटिव बना लो और वी यहाँ पे नेगेटिव बना लो।
ये बीच में जो सेपरेशन होता है यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरना होता है। अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी की क्लास के लिए समझ लो कि सर यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। प्लेट का शेप चाहे आपका सर्कुलर हो, इसको देख के तो बच्चे लोग कह सकते हैं कि सर रेक्टेंगुलर है, लेकिन है तो पैरेलल ही ना, और ये हो जाएगा बच्चों आपका स्क्वायर शेप का। तो ये तीनों के तीनों क्वालिफाई करते हैं आपके किसके, पैरेलल प्लेट्स में। थ्योरी कहती है दो मेटल के पैरेलल प्लेट और किसी भी शेप के, लेकिन साइज कैसा होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। देखो आप, साइज बिल्कुल सेम है और शेप कुछ भी हो सकता है, और छोटा डिस्टेंस होना चाहिए, और दे आर नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक एरिया काउंट होता है, सेपरेशन को आप डी बोल देते हो, और इसके बीच का जो स्पेस होता है उसमें वैक्यूम आ जाता है। इन जनरल आप दो प्लेट्स बनाएंगे और इस तरह से इसको क्या कह देंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक एंड पे पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव, ये हो गया ए, यहाँ पे बी, वी पॉजिटिव और ये हो जाएगा बच्चों वी नेगेटिव। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट का अंडरस्टैंडिंग। आप देखोगे तो क्या लिखा है, वी पुट अ चार्ज प्लस क्यू ऑन वन प्लेट एंड माइनस क्यू ऑन द अदर। यहाँ दोनों डायग्राम को ऑब्जर्व करो, देखो बच्चों यहाँ प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, और यहाँ पर भी क्या है, प्लस का क्यू ही है और इधर पे भी नेगेटिव क्यू है। इसको दो मेथड से समझ सकते हैं, एक हो गया हमारे पास फर्स्ट और इस वाले को आप सेकेंड मेथड कह दो। तो फर्स्ट कहता है दिस कैन बी डन बाय इधर कनेक्टिंग वन टर्मिनल विथ पॉजिटिव एंड अदर विथ नेगेटिव। आप देखो एक टर्म को अपन ने पॉजिटिव लाया, एक टर्म को अपन ने नेगेटिव लाया, तो ये हो जाएगा वी, बेसिकली वी नहीं है डेल्टा वी होता है, और यहाँ मिलने लगेगा आपको वी पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा बच्चों वी नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव इसके हिसाब से, ठीक है। और दूसरा कहता है ये जो चार्ज है ये इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू ऑन द अर्थन प्लेट, ये सेकेंड कैटेगरी की बात कर रहा है। आप देखो सबसे पहले ये फर्स्ट वाले प्लेट पे प्लस का चार्ज ला के रख दिया आपने, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस होगा, और कुछ बच्चे बोलेंगे कि अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, प्लस भी इंड्यूस होने लगेगा, क्योंकि इसको आपने ग्राउंड पे किया है तो ये सारे के सारे लोग यहाँ भग जाएंगे, और अल्टीमेटली ये कैसा मिलने लग जाएगा, ये एक प्लेट होगा ये दूसरा प्लेट होगा, इधर प्लस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और ये वाला प्लस क्यू आपने ला के दिया था इसके पास, और यहाँ माइनस क्यू दिखने लगा, ये हो गया पहले केस की तरह, और आउट हैंड साइड पे इसको क्या कर दिया अपन ने, ग्राउंड कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया। और चार्ज डेंसिटी भी अपन लिख सकते हैं सरफेस की, ये इक्वल होती है दोनों की मैग्नीट्यूड में सिर्फ। तो देखो यहाँ सरफेस होगी तो हो जाएगा सिग्मा का पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा सिग्मा का नेगेटिव, और सिग्मा का मतलब कितना होता है, ये होता है चार्ज ओवर एरिया, ठीक है। तो इसके लिए हो गया प्लस सिग्मा, इसके लिए हो गया माइनस सिग्मा, सिमिलरली यहाँ हो जाएगा सिग्मा पॉजिटिव, ये हो जाएगा सिग्मा नेगेटिव। दिस इज हाउ यू कैन कोरिलेट कैपेसिटर। ये भी बच्चों चार्जिंग करने का है एक मेथड, और ये भी एक कैपेसिटर को चार्ज करने का मेथड है, दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वली मेथड है, और दोनों को अपन को सेम और वन ऑन दी अदर अज्यूम करके समझना है। जनरली आपको बैटरी दी दी जाएगी तो या तो इससे अज्यूम कर लो, और या तो एक टर्म को कांस्टेंट ग्राउंड पे रख के एक पर आपको चार्ज प्रोवाइड कर दो, तो बोथ आर सेम बेसिकली। एंड सिग्मा इज गिवन बाय क्यू बाय ए विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, और यहाँ अगर पोटेंशियल लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो जीरो वोल्ट होगा बच्चों ग्राउंड है तो, और जितना इसका होगा वही डेल्टा वी कहलाना शुरू हो जाएगा, वो हो जाएगा वी माइनस जीरो, दैट विल बी सिंपली वी। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडवांटेज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्यों इतना ये प्रेफर्ड होता है, ठीक है। ऐसा करने से बच्चों मेकिंग सच अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों प्लेट के बीच में ही रह जाता है। तो देखोगे आप ये प्लस है या माइनस है, इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाते हुए इस तरह बच्चों दिखाई जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हो गया ये तो यहाँ पे, और आउटसाइड में कहीं बाहर नहीं होंगे तो बेसिकली अपन को लॉसेस नहीं कराने, थोड़े बहुत होते हैं लॉसेस जिसको अपन एज इफेक्ट बोलते हैं, आगे चल के बताऊंगा मैं आप लोगों को एज इफेक्ट, अभी लिख देता हूं, इसको इग्नोर करके बोल रहा हूं मैं, ठीक है। प्राइम रिक्वायरमेंट यही होता है कि हमारे पास कैपेसिटर अंदर स्टोर कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और कहता है जो बी प्लेट होती है उसको अर्थ करने की इतनी जरूरत नहीं होती है, बस कंसेप्ट ये है कि इसको अर्थ करने से यहाँ पे जो प्लस के चार्ज होते हैं ना बच्चों वो ग्राउंड चले जाते हैं, तो ओनली रिक्वायरमेंट होती है बी पे वो अपोजिट चार्ज लाने की होती है,
जैसे यहाँ आपने अगर सिग्मा पॉजिटिव दिया है तो यहाँ पे सिग्मा नेगेटिव होना चाहिए, या क्यू प्लस हो तो क्यू माइनस होना चाहिए। ग्राउंड करने का बेसिक मतलब होता है इंडक्शन में यहाँ माइनस इंड्यूस होगा और यहाँ प्लस इंड्यूस होगा बच्चों, तो ये प्लस को खत्म करने के लिए ग्राउंडिंग करी है अपन ने। तो इक्वल अपोजिट चार्ज ही रह जाएंगे, ये क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू रह जाएगा, तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ जस्टिफाई होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड कंडक्टर के पास क्या होती है, कैपेसिटी, लेकिन वो कैपेसिटर नहीं है। मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि हर कंडक्टर के पास कैपेसिटी होती है, एवरी कंडक्टर हैज कैपेसिटी, ठीक है, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है। बट इट इज नॉट अ कैपेसिटर, बट इट इज नॉट अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास क्या होता है बच्चों, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी और एनर्जी स्टोर करना का कैपेसिटी ज्यादा होता है। तो अपन यहाँ लिखा हुआ है आइसोलेटेड कंडक्टर के पास कैपेसिटी तो होती है, लेकिन उसको अपन कैपेसिटर नहीं बुलाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में और आउटसाइड में पढ़नी है कैपेसिटर के। आउटसाइड में ए और सी पॉइंट है और इनसाइड में पॉइंट बी है। तो पहले ये देखो आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड थिन प्लेट से कितना होता है, क्योंकि ये दोनों प्लेट क्या होंगे, थिन में काउंट होंगे और लार्ज होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन, ठीक बच्चों, थिन प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा लिखते हैं अपन, और ये आता है टू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन की बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है। फिर आ रही है बारी हमारे पास एट पॉइंट ए की। ए पे स्टडी कर लो कितना हो रहा है। ए पे बच्चों एक क्यू नॉट को प्लेस कर दो, तो ये प्लस का चार्ज है तो ये इसको रिपेल कर देगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। तो एट ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए होगा वो क्या होगा, एक प्लस की साइड, एक प्लस पे होगा तो एक माइनस पे जाएगा बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों सेम होगा और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली आप पॉइंट सी पर पढ़ के देखिए, एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, वो भी इक्वली बात हो रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं क्यू नॉट को रख दूँ तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और प्लस वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। अल्टीमेटली ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। बात करनी है अपन को बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हो क्या रहा है, ये प्लस वाले से फील्ड कैसे मिलेंगे बच्चों, इस डायरेक्शन में आएंगे आपके टूवर्ड्स द राइट, इस तरह से देखो, और सिमिलरली ये नेगेटिव का है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, टूवर्ड्स द राइट ही रहने वाले हैं। तो बी पॉइंट पे आप अगर पढ़ते हैं तो हो जाएगा एट पॉइंट बी, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बी, यही हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का कंसेप्ट है, और कॉमनली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की बुलाते हैं। तो प्लेट्स को लार्ज कर लिया इन लोगों ने, सेपरेशन बिटवीन देम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स पर है वो यूनिफॉर्म दिखने लग गई है और परपेंडिकुलर टू द प्लेट है, और बहुत स्मॉल रीजन पे एज पे थोड़ा चेंज होता है, मतलब कहने का है कि एजेस पे थोड़ा इस शेप में जाना शुरू करता है ये, इस तरह से बच्चों, राइट। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट, जिसको यहाँ पे इग्नोर कर देना है क्योंकि टॉपिक शुरू होने के पहले ही उसने लार्ज बोल दिया है, बहुत कम होते हैं ये, इनको हटा दीजिए यहाँ पे, ठीक। तो फिर यहाँ से बोल रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दोनों के दोनों सेम है, तो दोनों दोनों बच्चों कैंसिल नहीं, वो लोग ऐड अप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, विच मीन्स सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और आई कैप पे लग जाएगा, और प्लस ऑफ सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा आई कैप, और अगर यहाँ पे सर ने इस तरह से वेक्टर्स लगा दिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है बच्चों, हाफ और हाफ हो जाएगा एक सिग्मा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आई, ये हो गया आप लोगों का क्या बच्चों, वेक्टर्स, और अगर मैग्नीट्यूड में मांगेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, विच सीम्स इट इज क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। यहाँ फिर पढ़ लेते हैं, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे जीरो, यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे जीरो, और सेंटर पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ अपन ने पढ़ लिया है मैग्नीट्यूड क्या था हमारे पास, यूनिफॉर्म, और जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, क्योंकि प्लस वाले से क्या हो रहा है, इस एंड पे जा रहा है, और नेगेटिव वाले से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या दिखेगा आप लोगों को, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बच्चों प्लस से माइनस पे जाते हुए दिखाए जाएंगे।
राइट right? और इस जो एज इफेक्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं अपन लोग, क्योंकि बहुत कम होते हैं वो। और किसी एक का मैग्नीट्यूड मांगेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट फील्ड का आंसर तो ये है, ठीक। और यहां अगर मैं लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, ठीक, वन प्लेट का आंसर हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये मैग्नीट्यूड में बात हो रही है यहां पे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, क्या होगा पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी का फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला तो ये कहता है C इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय V, लेकिन पैरेलल प्लेट के लिए हम लोग आज एक नया फॉर्मूला जानेंगे। लेट अज्यूम दिस इज प्लेट A एंड दैट इज प्लेट B। आप लोगों ने क्या किया बच्चों, इसको एक बैटरी से कनेक्शन दे दिया। और पीछे के लेक्चर्स में अपन ये पढ़कर आए हैं कि बैटरी का जो पोटेंशियल पॉजिटिव और पोटेंशियल नेगेटिव यहाँ पर मिलने लगता है, और यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स भी इस तरह से देखते हो। इनसाइड में कुछ सेपरेशन होती है इनके बीच में, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, और एरिया कितना होता है बच्चों, ए। इसका सामने से व्यू इस तरह का है, और एक को आप ग्राउंड करके किसी एक पे चार्ज देकर भी समझ सकते थे, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर, वो आप लोगों को आती है, ये ई का टर्म होगा बच्चों, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको अच्छे से लिख लो आप लोग। ये हो जाएगा क्यू बाय ए, और एक आ गया एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हो जाएगा वी पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा वी नेगेटिव। डेल्टा वी को ही कैपेसिटर्स में वी बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है ई इंटू डी। तो आपका आंसर मिलने लग जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होता है C, विच इज Q डिवाइड बाय V, और एक्चुअली में डेल्टा V का टर्म होता है, अपन लिखते इस तरह है बच्चों। तो C का टर्म बहुत इजीएस्ट फॉर्म में मिल जाएगा, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा Q इंटू डी डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट, विच ब्रिंग्स आंसर आ रहा है अपना A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट। कभी भी हमें पैरेलल प्लेट मिलेगा तो ये आंसर मिलेगा, ठीक। और ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम से जब फिल्ड अप होगा ना बच्चों, तब इसको यूज करना है फॉर वैक्यूम। और मीडियम के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, और आगे के लेक्चर्स में अपन लोग डिस्कस करेंगे कैसे ये चेंज हो रहा है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद और चीजों को चेंज करने के बाद। अभी प्लेन किसी कैपेसिटर के अंदर ये फॉर्मूला आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म नहीं आ रहा है, कहीं पोटेंशियल नहीं आ रहा है, कहीं चार्ज नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, दिस टर्म इज अ कांस्टेंट आल्सो नोन एज कैपेसिटेंस, ठीक है ना बच्चों। और ऐसा यूनिट वगैरह और बेसिक थ्योरीज तो अपन लोग पहले ही इसकी स्टडी कर चुके हैं। फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट इज सिंपली ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। ओके बच्चों,